तो इस तरीके का कुछ अलग सा चीज़ हमको देखने के लिए मिला, तो इन भैया से बात करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद देखते हैं। भैया अभी फोन पे व्यस्त है। ये क्या है भैया? सिंघाड़ा, चेस्टनट बोलते हैं। चेस्ट, ये चेस्टनट होता है, देख लो इस तरीके का सीन होता है, जो पहले इस तरीके से पेड़ ऐसे रहता है, ठीक है, इसके अंदर से निकाला जाता है। ये देखो बाहर से बहुत ही ज़्यादा कांटेदार है, ये देखो ये अंदर में एक मतलब कि रखा हुआ है, एक में दो रहता है शायद, तो इस तरीके से है, और ये यहाँ पे इस तरीके से निकाल लिया जाता है। और देखो गिर गया, इसको रख दिया जाए, और फिर यहाँ पे इस तरीके से ये रखा हुआ रहता है चेस्टनट, और उसके बाद इस पर पकाया जाता है। भैया कितने देर के लिए पकाया जाता है? पाँच दस मिनट पकाने के बाद देख लो इस तरीका से निकाला जाता है। निकालने के बाद ये देखो बहुत ही बेहतरीन से काम किया जा रहा है, ताकि इसका जो भी रुई है, जो भी इसको ऊपर का खोपड़ी है, सेल बोलेंगे, सेल जो भी है वो निकल जाए। देखो इस तरीका से छल्ला, ये देखो इस तरीका से है, ये पूरा निकलने के बाद ये इस तरीका का उपजता है, ऐसे निकलता है ऐसे। ये देखो टेक्निक, देखो टेक्निक कैसा है, ये का पड़ता है भैया? ये 100 रुपये का 100 ग्राम पड़ता है। 100 रुपये का 100 ग्राम, एक पीस कितना का पड़ेगा? 1000 रुपये। एक पीस टेस्ट, हाँ टेस्ट करने के लिए, तो भैया से टेस्ट करने के लिए ले लिए, तो देखते हैं टेस्ट। फिलहाल तो हम बोलेंगे गर्म है, नट्स वगैरह ड्राई फ्रूट ये निकलता है, और फॉरन में ये निकलता है, एक यहाँ पे निकलता है, और निकलता है टर्की में, और निकलता है स्विट्ज़रलैंड में, और निकलता है लंदन में। तो भैया बता रहे हैं कि ये जो चेस्टनट है ये निकलता है फॉरन में, टर्की में, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में ये निकलता है, और ये ऐसा कट चीज़ है, इसको यहाँ का लोकल है, यहाँ का लोकल हो गया, और यहाँ का ये लोकल है चेस्टनट। इस तरीका का सीन है, देखो भाई फेमस है, पूरा फेमस है। कैसे देते हो? 100 का 100 ग्राम, 100 का 100 ग्राम। देख लो इस तरीके से ये किसको फ्राई बोलते हैं, कौची बोलते हैं, गरम कर, सेक रहा है, सेकना बोलते हैं इसको।